पलामू में अज्ञात अपराधियों ने वार्ड पार्षद पूनम देवी के पति को गोली मार दी। गोली उनके पैर में लगी, जिसे गंभीर अवस्था में मेदिनीनगर के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर घटना की जानकारी के बाद पहुंची पुलिस अब मामले की छानबीन में जुटी है। किसी को आप देखे थे स्तर पर? किसी को देखे थे? कौन गोली चला? पलामू से करण चुरे हुए अपडेट के साथ अज्ञात अपराधियों ने पार्षद के पति को गोली मारी है। क्या पुरानी रंजिश वजह थी या फिर क्या बातें सामने आ रही हैं? हालांकि अगर पुरानी तो हमने जब पूछा तो वो बता नहीं पा रहे हैं। उन्हें बोला कि मैं ये क्लियर नहीं बता सकते कि कौन है दुश्मन, क्योंकि उनका कोई दुश्मन है नहीं वैसा। हालांकि रात का घटना है, जब वो सो रहे थे अपने रूम में तभी अचानक खिड़की की तरफ से कुछ कोई लोग आते हैं और फायर करते हैं। उनके बाद उनको आवाज सुनाई देती है और उनके पैर से खून निकलता, तो उसके बाद ही उनका एहसास होता है कि उनका पैर काम नहीं कर रहा है। आस पास हल्ला करने के बाद घर वाले लोग वहाँ पहुंचते हैं तो देखते हैं वहाँ पे उनका खून बह रहा है, तो लोगों ने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाते हैं, जिनके बाद वहाँ से मेदिनीनगर सदर अस्पताल देकर किया जाता है।